देख रहे हैं यूनिक वे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से हम अपनी हकलाहट को ठीक करने के लिए खुद को बेहतर बनाएं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों देखिए, हमारी स्टैमरी को ठीक करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको अपनी स्टैमरिंग को ठीक करना है तो खुद को कुछ चैलेंजेस देने पड़ते हैं, खुद को कुछ टास्क देने पड़ते हैं कि आज मुझे ये करना है अपनी आवाज़ को ठीक करने के लिए, आज मुझे उस इंसान के सामने जाके इस तरह से बोलना है। तो खुद को टास्क देना भी एक स्टैमरिंग को ठीक करने का हिस्सा है। खुद को चैलेंजेस आपको देने पड़ेंगे अगर आपको स्टैमरिंग ठीक करनी है। फिर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप जब स्टैमरिंग को ठीक कर रहे हैं तो उनका आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। तो वो बातें कौन सी हैं वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वो बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाएंगी अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए। तो वो बातें कौन सी है देखें। पहली जो चीज़ है कि आप दूसरों से ओपिनियन लेते हैं। आप दो दिन एक्सरसाइज करते हैं और फिर से आप पूछते हैं कि आपको मेरी स्टैमरिंग में कितना इम्प्रूवमेंट लग रहा है, आज मेरी स्टैमरिंग कितना परसेंट है, आज मेरी स्टैमरिंग कितना परसेंट ठीक हो गई है, या फिर आप ये भी पूछते हैं कि मेरी स्टैमरिंग कितना परसेंट है। दोस्तों देखिए, स्टैमरिंग का कोई भी परसेंटेज नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग स्टैमरिंग का कोई भी परसेंटेज नहीं है, क्योंकि स्टैमरिंग हर सिचुएशन में अलग अलग होती है। कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करने लगते हैं तो वहाँ पर आपकी स्टैमरिंग का लेवल 100% है। कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ पर आप थोड़ा बहुत अटकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड लोग हो गए तो उनके सामने आपकी स्टैमरिंग बहुत कम होती है। तो वहाँ पर अगर आप अपने दोस्तों से पूछेंगे कि मेरी स्टैमरिंग कितनी ज़्यादा है तो वो आपको कुछ अलग परसेंट बताएंगे। तो इस तरह से स्टैमरिंग का कोई फिक्स लेवल नहीं है कि आपकी स्टैमरिंग कितना परसेंट है, ठीक है। तो सभी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग इंसानों से पूछोगे, उनके सभी के अकॉर्डिंग आपकी स्टैमरिंग अलग अलग होगी, क्योंकि वो अपने हिसाब से बताएंगे कि आप उनके सामने कितना ज़्यादा स्टैमरिंग कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में स्टैमरिंग का लेवल आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टैमरिंग कितनी है। तो यही बात यहाँ पे मायने रखती है कि आप दूसरों से ओपिनियन लेना बंद करें। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों से पूछ रहे हैं कि मेरी स्टैमरिंग में आपको कितना इम्प्रूवमेंट लगा, मैं अभी ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं अभी ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आपको कितना इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें पूछना बंद करें। रियलिटी यही है कि सामने वाले को आपकी स्टैमरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से क्या कह रहे हैं। सामने वाले को आपका मजाक बनाना है, वो सिर्फ अपने मजे के लिए देखता है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। मैंने ये चीज़ फील की है, मैंने बहुत से लोगों से पूछा भी है कि जब मैं अपनी स्टैमरिंग पर काम कर रहा था तो मैंने पूछा था कि आप, मैं पहले कैसा था और अभी कैसा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो मुझे ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि हम आपकी स्टैमरिंग पर ध्यान नहीं देते थे कि आप किस तरह से हकला रहे हैं, हम सिर्फ ये चीज़ पर ध्यान देते थे कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। हम आपकी बातों को समझने की कोशिश करते थे कि आप क्या चीज़ बोल रहे हैं, न कि हम ये देखते थे कि आप किस तरह से कहाँ कहाँ पे किस चीज़ के ऊपर अटक रहे हैं। तो सामने वाला हमारी स्टैमरिंग में ये नहीं देखता कि हम किस तरह से अटक रहे हैं, सामने वाला ये देखता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसलिए दूसरे लोगों से ओपिनियन लेना बंद करें। आपको अपनी स्टैमरिंग का लेवल खुद ही पता होना चाहिए कि आप किसके सामने कितना ज़्यादा हकलाते हैं और आपको कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में रहते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिल सकता। जो इंस्टेंट रिजल्ट होता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि हमारी स्टैमरिंग झटके के साथ ठीक हो जाए, हमारी स्टैमरिंग 5 या 7 मिनट में ठीक हो जाए, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट आपका कुछ इंस्टेंट टाइम के लिए ही रहेगा, कुछ क्षण के लिए वो रिजल्ट आपका रहेगा, फिर आपका गायब हो जाएगा। जो इंस्टेंट रिजल्ट है वो कुछ स्पीच थेरेपिस्ट यूज करते हैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको अट्रैक्शन के लिए, उनको कोर्स ज्वाइन करवाने के लिए, कि अगर उनको हम इंस्टेंट रिजल्ट दिखाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे। वो आपको 5 मिनट में ही इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो करा देंगे कि आप सोचेंगे कि अगर हमने इसके पास कोर्स लिया तो हमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इतना जल्दी मिल जाएगा। लेकिन वो एक रियलिटी नहीं है। वो इंस्टेंट रिजल्ट आपका कुछ इंस्टेंट टाइम के लिए ही रहता है।
तो इसलिए कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे मत भागो। इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे भागोगे आपके पैसे पूरे के पूरे बर्बाद जाएंगे। तो इसलिए इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे कभी भी मत भागो। स्टैमरिंग आपकी कभी भी जल्दी से जल्दी ठीक नहीं हो सकती। स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए आपको धैर्य चाहिए, आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस और खुद को चैलेंजेस और टास्क देने की जरूरत है। जितना ज़्यादा आप धैर्य रखेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा खुद को चैलेंजेस देंगे, उतना जल्दी जल्दी ही आपकी स्टैमरिंग ठीक होती जाएगी। तो कुछ स्टैमर्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा इतना फिजिकल है और मैं इस तरह से इतना ठीक हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ की वजह से मैं इस तरह से रह जाता हूँ। तो ये हमारी एक नेगेटिव सोच हो जाती है और जिसकी वजह से हम कभी भी स्टैमरिंग को ठीक नहीं कर पाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से कैंसर होता है, तो ये बेवजह की थिंकिंग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ स्टैमर ये सोचते हैं कि हम ये खाएंगे तो इससे हमारी स्टैमिंग ठीक हो जाएगी, या फिर अगर हम ये खाएंगे तो हमारी स्टैमिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बेवजह की टेंशन है, इन टेंशन से दूर हो आप। ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। स्टैमिंग सिर्फ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस, बार बार आप अभ्यास करोगे तभी ठीक हो सकती है। स्टैमरिंग आपकी 20 साल से है, 25 साल से है, 10 साल से है, वो आपकी किसी मेडिसिन से 2 दिन में या 3 दिन में या 1 महीने में ठीक नहीं हो सकती है। हाँ, आपको 1 महीने में इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक होने में उसे टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने उसको टाइम आराम से लगेगा। अगर आपको स्टैमरिंग को ठीक करना है तो बेवजह की टेंशन मत लो कि ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा। आपका काम है प्रैक्टिस करना, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, बाकी जो भी टेंशन है उनको दूर करो आप, ठीक है। जितने ज़्यादा टेंशन होगे स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा स्टैमरिंग भी बढ़ेगी। स्टैमरिंग हमें ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स की वजह से होती है कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आई और हम स्टैमरिंग करने लगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव बन के रहें, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतने जल्दी आपकी स्टैमरिंग ठीक होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।